गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। इन दिनों हम परमेश्वर के गुणों के बारे में मनन कर रहे हैं। आज जो गुण हम देखेंगे वह ये है कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। मत्ती वचन 6 अध्याय उसका 31 और 32 वचन कहता है, इसलिए यह कहकर चिंता ना करो हम क्या खाएंगे अथवा क्या पहनेंगे या हम क्या पिएंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकता है, चाहे वो हमारी शारीरिक आवश्यकता हो, चाहे वो हमारी आत्मिक आवश्यकता हो, चाहे वो हमारी घर की आवश्यकता हो या कोई भी आवश्यकता हो, परमेश्वर इन सब बातों को जानते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पूरी करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम इन सब बातों की खोज में नहीं रहो, इनकी खोज तो गैर जाति के लोग करते हैं, तुम मेरे स्वर्गीय राज की खोज में लगे रहो और ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। इसलिए हमें इन सारी वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, इन सारी वस्तुओं की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। परमेश्वर इन सब बातों की चिंता करते हैं और अपने समय के अनुसार वो हमें देते हैं। इसलिए इस सुबह के समय आइए हम अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ परमेश्वर को डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपना बोझ, अपना जुआ, अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दें, क्योंकि वो हमारी सुधि लेते हैं। इसलिए इस सुबह के समय प्रार्थना करें कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दें और परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने इन सारी भली वस्तुओं को देने की हमें वायदा करा है और आप हमें देंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी चिंताएं आपको दें, हम अपना दुख आपको दें, हम अपने दिल में जो भी चल रहा है प्रभु जी आपको दें पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आप ये सारी चिंताएं लेके आप हमें अपनी शांति से भर दे पिता परमेश्वर, आप हमें अपने राज्य की खोज में लगा दे परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सुबह के समय प्रभु जी, जब हम इस बात पर मनन करें कि आप हमारी चिंता करते हैं, तो ये हमें बहुत ही शक्ति देने पाए, ये हमें ऊर्जा देने पाए पिता परमेश्वर, ये हमें पिता परमेश्वर एक आश्वासन दे कि आप हमारी चिंता करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सुबह के समय पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे मन और हमारी आत्मा में भर दे पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।